दोस्तों, जब भी हमारी कोई वीडियो की फाइल बाय मिस्टेक किसी अदर फॉर्मेट में चली जाती है, किसी दूसरे फॉर्मेट में चली जाती है, तो हमें बहुत प्रॉब्लम होती है। हम जितनी बार उस फाइल को ओपन करते हैं, उतनी बार वो हमें ओपन विथ करके, ये देखिए, ओपन विथ करके हमें जो भी हमारा फॉर्मेट का सॉफ्टवेयर है उसमें उसे सेलेक्ट करना पड़ता है। लेकिन अभी प्रॉब्लम क्या होता है, जब हम उसे क्लोज करते हैं तो फिर से वो सेम फॉर्मेट में आ जाता है। ठीक है, तो उसके लिए क्या करेंगे हम, अभी जब भी हम चेंज करेंगे तो हमें ये ध्यान देना है जो भी फॉर्मेट है, ठीक है, ये MKV फॉर्मेट का है और ये MP4 फॉर्मेट का है, तो जो भी एक फॉर्मेट होता है अगर हम उसका फॉर्मेट चेंज करते हैं तो उस फॉर्मेट के सारे फाइल का आइकॉन एक साथ चेंज हो जाता है। अगर सपोज मुझे कोई एक फाइल VLC प्लेयर में ओपन करनी है, ये जो आइकॉन देख रहे हैं ये VLC प्लेयर का है, ठीक है, और ये विंडो प्लेयर का है, ये जो जितने दिख रहे हैं ना ब्लू विंडो प्लेयर का है और ये VLC का है ऑरेंज वाला। तो अभी होता क्या है कि जब भी हम प्ले करते हैं तो प्ले करने के बाद वैसे हम इसको ओपन विथ करके VLC प्लेयर में प्ले कर सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, जब हम क्लोज करेंगे तो फिर से सेम फॉर्मेट में आ जाएगा, VLC प्लेयर में नहीं रहेगा। तो फिर हम क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, ठीक है, राइट क्लिक करने के बाद प्रॉपर्टीज में जाएंगे, प्रॉपर्टीज में जाके ये जो दिख रहा है ना, ये ओपन विथ, ठीक है, अभी इसको हमको क्या है, ये जो फॉर्मेट है डायरेक्ट हम चेंज कर देंगे, ठीक है, क्लिक करेंगे और फिर VLC मीडिया प्लेयर पे क्लिक करेंगे, ओके कर देंगे, अप्लाई करके ओके कर देंगे। अब आप देख सकते हैं जितने भी MKV फॉर्मेट के थे वीडियोस, सारे के सारे एक ही बार में जस्ट वन क्लिक में, ये देखिए MP4 यहां तक है, सारे के सारे VLC प्लेयर में कन्वर्ट हो चुके हैं, ठीक है। इसी तरह किसी भी सॉफ्टवेयर से किसी भी अदर प्लेयर में कन्वर्ट कर सकते हैं जस्ट वन क्लिक से। सिर्फ VLC प्लेयर ही नहीं, कोई PDF फाइल हो या फिर किसी अदर सॉफ्टवेयर का, जैसे कैटिया हो या फिर माइक्रोसॉफ्ट का हो, ये सब भी। तो दोस्तों, कैसा लगा ये वीडियो आपको, प्लीज़ कमेंट करके बताइए, और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक धन्यवाद, बाय बाय।